हेलो एवरीवन, तो अभी मैं उन सभी स्टूडेंट्स को गुड न्यूज़ देने आया हूँ जो कि चाइना से MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, बीट इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। फाइनली चाइनीज अथॉरिटीज़ ने, आज मैं वीडियोस कर रहा था, मैं कल भी या परसों कर सकता था, बट आज इसलिए कर रहा हूँ कि लास्ट दो यूनिवर्सिटियाँ बची हुई थी जिनको नोटिस नहीं मिला था, बट एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो कर रहा हूँ 100% सभी यूनिवर्सिटीज़ को चाइना में अथॉरिटीज़ के द्वारा चाइनीज़ ये ऑफिशियल नोटिस बोला जाए या ऑर्डर बोला जाए मिल चुका है कि आप इंडियन स्टूडेंट्स को वापस बुलाओ टू कंटिन्यू देयर फर्दर एजुकेशन। ठीक है, अब नाउ इट्स अप टू द यूनिवर्सिटी, उनके ऊपर है कि वो कैसे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, बिकॉज ऑर्डर में ये भी है कि आप उनको ऐसे बुलाओ जिनकी पढ़ाई जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट वर्ष पे है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, सबसे पहले बुलाया जाएगा मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स को जो भी पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी वैरायटी ऑफ मास्टर्स कोर्सेज में है, बिकॉज उनके लिए सभी स्टूडेंट हैं, MBBS, BTEC, MTEC, ग्रेजुएशन, MBA, whatever it is, उनके लिए वो सभी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और वहाँ केवल MBBS के स्टूडेंट्स नहीं हैं, देर आर वेरियस अदर सर्किट्स जहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले बुलाया जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट्स यानी मास्टर्स वालों को, उसके बाद आएंगे अंडर ग्रेजुएट्स वाले। तो बात करते हैं MBBS की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिफ्थ ईयर वालों को, फोर्थ ईयर वालों को साथ बुलाया जाएगा, देन थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, देन फर्स्ट ईयर। तो ये इस ऑर्डर में बुलाया जाएगा, बिकॉज एट ए टाइम वो उतना ZW2 भी इशू नहीं कर सकते हैं सडनली टू एवरी ईच एंड एवरी स्टूडेंट, दे हैव टू फॉलो द हायरार्की ऑर्डर। तो आपको अब इससे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल द स्टूडेंट्स हू आर स्टडिंग फ्रॉम चाइना, आई विल एडवाइज ऑल ऑफ यू टू फोकस योर स्टडी एंड स्टे रिलैक्स्ड। हमें रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, हमें आराम से रहने की ज़रूरत है, कोई पैनिकिंग सिचुएशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स वी राइट एन ईमेल टू द एम्बेसी, एन ईमेल टू द यूनिवर्सिटी, हमें वही रिप्लाई वहाँ से आने वाला है। टाइमलाइन डिसाइड हो चुका है, अभी तक सभी स्टूडेंट्स ने एटलीस्ट 10 ईमेल्स, 10 गूगल फॉर्म्स, 15 गूगल फॉर्म्स तो भर ही दिए होंगे, बट एवरीथिंग इज हैपनिंग एट द राइट टाइम, जिस काम को जब होना है, स्पेशली चाइना के केस में, दैट्स ए कम्युनिस्ट कंट्री, जिस चीज़ को जब होना है वो अपने टाइम पे ही होगा, एवरीथिंग विल हैपन एट ए पेस। 2.5 साल से कितने सारे कैंपेन्स चले, डिजिटल कैंपेन्स, फिजिकल कैंपेन्स, बट आफ्टर उन सभी के रिजल्ट्स को देखा जाए तो क्या हुआ, कुछ नहीं। हाँ, एवरीथिंग विल हैपन एट द टाइम, अभी होना था, चाइनीज अथॉरिटीज को अभी ऑर्डर देना था, उन्होंने दिया, नाउ द इंडियन स्टूडेंट्स विल गो बैक टू चाइना फॉर स्टडी। डेडलाइन क्या होगा, स्प्रिंग फेस्टिवल होता है, नेक्स्ट ईयर होगा फेब के मंथ में, स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद नेक्स्ट ईयर 23 में मैं बोलूँगा, जहाँ तक आई थिंक आई विल एडवाइस यू फर्स्ट ईयर से जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, फॉर देम टू हैव पेशेंस, टू फोकस ऑन योर स्टडी एंड टू रिलैक्स, गेट रिलैक्स, फर्स्ट यू नीड टू गेट रिलैक्स, लेट गो ऑफ ऑल योर वर्डीज, बिकॉज नाउ फाइनली द ऑर्डर हैव केम, ऑर्डर तो आ चुका है, आप जाओगे पढ़ने अब। तो फर्स्ट से थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद एक्सपेक्ट करें कि उनकी जो डिपार्चर होगी इंडिया से होगी, बिकॉज ZW2 आएगा, वीज़ा लगेगा, फिर डिपार्चर होगी। हमेशा 2 मंथ एक्स्ट्रा लेके चलना चाहिए इन केस टू बी सेफ, अगर हम होप रखें पहले का और पूरा ना हो देन वी विल गेट होपलेस। तो इट्स बेटर टू हैव अ एडवांस टाइम लाइन इंस्टेड ऑफ गेटिंग होपलेस, राइट। सो स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद फर्स्ट से थर्ड ईयर वाले बच्चे एक्सपेक्ट करें, स्प्रिंग फेस्टिवल के करीब करीब 1 महीने पहले सीनियर स्टूडेंट्स जा सकते हैं फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। ठीक है, बट जनरल बात है, अब स्प्रिंग फेस्टिवल के वेकेशन में आप क्या होगे, क्योंकि अभी क्लासेस स्टार्ट होनी नहीं है, और ऑब्वियस सी बात है सेमेस्टर एंड होगा, स्टार्ट होनी नहीं है, बट 2.5 साल से जो इंडिया में, उसे तो बस जाना है स्प्रिंग फेस्टिवल, हम वही देख लेंगे 1 महीने की छुट्टी। ये भी थॉट सही है एक तरह से, दैट फ्रस्ट्रेशन दैट हैज बीन एक्यूमुलेटेड इनसाइड आवर बॉडी दैट नीड टू बी गेट आउट, राइट, बट दैट्स ऑल्सो नॉट एन इशू राइट नाउ। आप एक्सपेक्ट करो सीनियर स्टूडेंट है फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर वाले कि स्प्रिंग फेस्टिवल से पहले जा सकते हो, बट फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर आफ्टर स्प्रिंग फेस्टिवल ओनली, जहाँ तक मुझे लगता है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स विल गो, उनके जाने का डिपार्चर स्टार्ट होगा, वो जाएंगे। अभी से स्टार्ट होगा तो अक्टूबर नवंबर तक तो उन्हीं का काम चलेगा, ZW2 एंड ऑल, तो उनके जाने का होगा। यूनिवर्सिटी के ऊपर है, दे विल प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल एंड एवरीथिंग फॉर द डिपार्चर ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टे रिलैक्स्ड, स्टे हैप्पी, फोकस ऑन स्टडी, एक एडवांस टाइमलाइन अपने जहन में रखो, इसको ध्यान में रखो कि हाँ स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद हम जाएंगे, तो कभी होपलेस होने की बात ही नहीं आएगी।
ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स तो स्प्रिंग फेस्टिवल के पहले ही जाएंगे, नो डाउट इन ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी, बिकॉज सारी यूनिवर्सिटियों को ऑर्डर मिल चुका है। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ ऑल योर वरीज। हमने लास्ट टाइम आपको इन्फॉर्म किया था, वीडियो की अपडेट चेक कर सकते हैं कि कंसुलेट ओपन होने वाली है, ओपन हुई उसी वीक में। फिर हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि नोटिस आने वाली है, विद इन वन और टू डेज नोटिस आई वहाँ से। अभी हम आपको जो एडवांस टाइमलाइन दे रहे हैं, आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशंस विद द कंसर्न अथॉरिटीज, द पीपल आई नो, द पीपल माई फ्रेंड्स नो, यूजिंग ऑल द रिसोर्सेस वी हैव कलेक्टेड दिस इन्फॉर्मेशन टू शेयर विथ यू। वी डोंट बिलीव इन टॉकिंग विदाउट हैविंग प्रॉपर इंटेल और सोर्सेस हु कैन कन्फर्म द न्यूज वी आर गोइंग टू गिव यू। So now I will just advise you to let go of all your worries, relax, enjoy the limited days in India. It's time to go back to China and continue your study. Thank you so much, guys. For any doubt or any suggestion, any guidelines, call me. I will try as much as I can. I will contact all my sources. I will use all my resources to find out even a single information for you.